चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और हम पीजीटी बायोलॉजी। चलिए ओके बच्चों, तो देखो हाँ आर्यन, कल हम बात कर चुके थे फर्टिलाइजेशन पर। आज हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को ही थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आज मैं आपको थोड़े और कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए तो देखो, फर्टिलाइजेशन तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी बेटा इसमें? पॉलन ग्रेन की। किसकी बात की थी बच्चों? पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है? वो कुछ इस तरह का होता है, उसके आउटर एक कवरिंग होती है। बिल्कुल होती है सर। और उसके आउटर जो एक कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग के ऊपर एक जर्म पोर अवेलेबल है बच्चों। क्या अवेलेबल है? जर्म पोर। क्लियर है बात? ठीक है, तो सर यहां पर एक जर्म पोर अवेलेबल है। समझ में आ गई ये वाली बात बेटा? क्या अवेलेबल है बच्चों? जर्म पोर। अब इस जर्म पोर के अंदर दो सेल्स थी बेटा, एक तो है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। तो पहले दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। तो याद करो बच्चा, वेजिटेटिव सेल का एक ही न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल के कितने न्यूक्लियस हैं? आंसर मी, जनरेटिव सेल में कितने न्यूक्लियस हैं बच्चों? जल्दी बताइए। दो। नीरज बिल्कुल राइट। तो यहां जनरेटिव के दो न्यूक्लियस हैं बच्चों, जनरेटिव के दो न्यूक्लियस हैं। क्लियर है बात यहां तक की? अब हम क्या बात करें और कैसे इसको समझने की कोशिश करें? तो देखो सुनो बच्चों, यहां पर स्टिग्मा है। देखो ये स्टिग्मा और इसके नीचे ओवरी और मिडल पोर्शन कहलाता है बच्चों स्टाइल। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? स्टाइल। तो तीन चीजें हैं, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, दूसरा है बच्चों स्टाइल और तीसरा है बच्चों ओवरी। यस या नो? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब क्या बात करें बच्चों? तो देखो मुझे बताओ, पॉलिनेशन होगा ना? वीडियो ऑन करो सब बच्चे, वीडियो ऑन करें बच्चे सारे के सारे। पहले वीडियो ऑन करें सब बच्चों। हाँ नीरज का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे वीडियो ऑन करें बेटा। ओके नितिन, अमन, हाँ सभी बच्चे बेटा वीडियो ऑन करें, वेरी गुड। अब देखो तो ये यहां से अपने आप तो जाने से रहा, तो इसे जाने के लिए क्या चाहिए? पॉलिनेशन, हवा, पानी, एनिमल, इंसेक्ट, कोई एक चीज चाहिए। यस या नो? चाहिए ना? तो चलिए बच्चों हम क्या करें, इसका पॉलिनेशन करवा देते हैं। चलिए पॉलिनेशन करवा दिया, और पॉलिनेशन किससे हुआ बच्चों? बाय एयर। क्लियर है? किसके थ्रू हुआ है पॉलिनेशन बच्चों? बाय एयर, एयर के थ्रू हुआ है। अब यहां से ये जो पॉलन ग्रेन है, अब यहां से ये जो पॉलन ग्रेन है ये बेटा यहां से उड़ता हुआ इसके ऊपर चला गया, ठीक है? तो ये यहां स्टिग्मा के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? अब समझो यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट बात शुरू होती है। देखो सुनो बच्चों, सर मान लीजिए पॉलन ग्रेन यहां पर आ गया है, अब यहां क्या होगा? यहां एक फिनोमिना होता है
जिसका नाम है बेटा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। हेडिंग डालो मेरे साथ, सभी बच्चे यहां लिखें, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? क्या कह रहे हैं अपन इसको? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब समझते हैं इसको सर। देखिए, ओके, देखिए बच्चों, आई हैव ए फोन, मेरे पास फोन है। आप इसे एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? तो आपका फोन, मेरा फोन, सबका एक पैटर्न लॉक या पासवर्ड होगा, यस या नो? होगा ना? तो बेटा आपके फोन पे आप जो पासवर्ड डालेंगे तभी वो ओपन हो पाएगा, और मैं अपने फोन पर जो पासवर्ड डालूंगा तभी वो ओपन हो पाएगा। क्लियर है बात बेटा? ऐसे ही एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम देखें तो जो पिस्टल है उसको खुद का सेल्फ यानी अपनी स्पीसीज का पॉलन चाहिए। अब देखो मैं इसको सिंपली कैसे समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास दो स्पीसीज है, एक मैंगो और एक लेमन। क्लियर है? लेमन वाले पॉलन मैंगो प्लांट पर चले गए और मैंगो वाले पॉलन लेमन प्लांट पर चले गए। क्या फर्टिलाइजेशन होगा? इट फर्टिलाइजेशन विल बी प्रोसीड, यस या नो? क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि उनके बीच में जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो तो हो ही नहीं पा रहा। यस, क्लियर है बात? उनके बीच में क्या नहीं हो पा रहा है बच्चा? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कब होता है? जब सेम स्पीसीज रहती है। कैसे रहती है बेटा? सेम स्पीसीज रहती है तो उसको अपन कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे बच्चों उसको अपन? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब समझते हैं इस चीज को आगे, ये कैसे है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है बेटा, आप याद करना कि ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है इसके लिए यहां पर जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन क्या करता है? यहां स्टिग्मा पर आता है तो स्टिग्मा एंड स्टिकी होता है। सबसे पहले लिखिए, यहां लिखते हैं बेटा स्टिग्मा, स्टिग्मा एंड स्टिकी। स्टिग्मा एंड स्टिकी। स्टिग्मा एंड कैसा होता है बच्चों? स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है? और वो क्या करता है बच्चों? यहां से अपने पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा से अटैच होने के लिए हेल्प करता है। प्रोवाइड, लिखो इसके अंदर, प्रोवाइड अटैचमेंट टू दी पॉलन ग्रेन, ठीक है बच्चों? स्टिग्मा एंड स्टिकी होगा तो प्रोवाइड अटैचमेंट टू दी पॉलन ग्रेन। और क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा वो? उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों उसको? वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अब आगे की बात सुनो। अब सर क्या होगा, यहां पर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे। क्या होगा बेटा? एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे। तो यहां पर एक कैलोज एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है बेटा? कैलोज, कैलोज एंजाइम सीक्रेटेड बाय, सीक्रेटेड बाय स्टिग्मा। एक कैलोज एंजाइम होगा जो बेटा स्टिग्मा से सीक्रेट होगा। सर रिपीट, ओके रिपीट करेंगे बेटा, एक बार वापस से समझा देता हूं। तो देखो सुनो, सबसे पहले हमारे पास क्या था? पॉलन ग्रेन। बोलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या था? पॉलन ग्रेन।
पॉलन ग्रेन का क्या करवाया? पॉलिनेशन। किसके थ्रू? बाय एयर के थ्रू। फिर ये किसके ऊपर गया? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर अटैचमेंट हुआ, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्या कहेंगे बच्चे इसको? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब यहाँ जैसे पॉलन ग्रेन अटैचमेंट हो गया स्टिग्मा से, तो स्टिग्मा एंड स्टिकी चिपचिपा होता है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा एंड जब स्टिकी होगा तो बताओ पॉलन ग्रेन वहाँ अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है तो थम्स अप भेजिए सभी बच्चे। ओके 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 ठीक है। नितिन सिंह, अजय, ठीक है तो आगे बेटा, यहाँ तक की अब सुनिए बेटा आगे बात। अब आगे सुनो, देखो तो स्टिग्मा एंड स्टिकी होता है, प्रोवाइड अटैचमेंट करता है पोलन ग्रेन को, और एक कैलोज एंजाइम सीक्रेट होता है बाय स्टिग्मा से। ये क्या करता है बच्चों? ये क्या करता है कि ये पॉलन ग्रेन के ऊपर जो जर्म पोर होती है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है, टू हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ जर्म पोर लेयर, टू हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ जर्म पोर लेयर। तो बेटा ये जर्म पोर की लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? ओके क्लियर है। आगे सुनो, अब सुनो बच्चों, अब आपके पास कितने न्यूक्लियस थे? दो, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए कुछ तो करवाते हैं अपन। अब सर क्या होगा यहां से? हमें डर लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा अब क्या होगा। डर लग रहा है नीरज? नहीं लग रहा। चलिए तो देखो बच्चों अब क्या होगा, इस स्टिग्मा से पोलन ट्यूब निकलनी चाहिए, यस या नो? तो पोलन ट्यूब का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो पोलन ट्यूब का अरेंजमेंट कैसे होगा जीतू कांति से हम समझते हैं। देखो स्टिग्मा के पास, अब थोड़ा सा इसको हम यहां डिटेल कर रहे हैं। देखो बच्चो यहां समझो, ये मेरे पास, यहां नहीं, ये मेरे पास पॉलन ग्रेन है। ओके दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? ओके ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन के ऊपर ये जर्म पोर है। क्लियर है बच्चों? इस जर्म पोर के अंदर सर ये वाला जनरेटिव, ये वाला वेजिटेटिव, ऐसे ही था? यस या नो? ऐसे ही था। हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। सभी बच्चे हेडिंग डाल के, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, लिख लिया। अब देखो बच्चों ये वेजिटेटिव, तो मैं लिख रहा हूं वीजी या वीसी, वेजिटेटिव सेल, और इसको लिख रहा हूं बेटा मैं जीसी, जनरेटिव सेल शॉर्ट फॉर्म में। अब समझो बच्चों, ये जर्म पोर तो कैलेज एंजाइम की वजह से गल गई, लाइसिस हो गई, टूट चुकी है। तो बताओ अब जर्म पोर ओपन हो चुका है कि नहीं हो चुका? हो चुका है सर। तो अब क्या होगा? देखो बच्चों, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, अब फोकस करके सुने मेरे बच्चों, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस एक पॉलन ट्यूब बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 लाख रुपए की बात है बेटा। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब बनाता है। ओके, कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो ये यहां से छोटा हो जाएगा और ये बन जाएगी पॉलन ट्यूब। इतनी बात ठीक है बेटा? तो आपने जब लिखा हेडिंग पॉलन फॉर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, उसमें लिखिए वेजिटेटिव सेल हेल्प
to formation of pollen tube. Vegetative cell help to formation of pollen tube. क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? लिख लिया, वेजिटेटिव सेल टू हेल्प फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. तो वो किसके फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है? पॉलन ट्यूब के लिए. अब देखो बच्चों, तो सर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो बहुत छोटा हो जाएगा. हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चों. अब देखो ये रहा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, आपको छोटा सा दिखाई दे रहा हो तो आप इसे मेंशन करो वेजिटेटिव न्यूक्लियस. क्या लिखेंगे बच्चों? वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ओके क्लियर है? तो अभी आंसर करो, पॉलन ट्यूब बनाता कौन है? आंसर करिए, पॉलन ट्यूब कौन बनाता है, जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल? बताओ बच्चों कौन बनाता है, जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल? वीसी. वेरी गुड वीसी. अरे ये कौन है नीरज, जनरेटिव कहाँ बनाता है पॉलन ट्यूब? वेजिटेटिव सेल बनाता है. कितनी बार बोल रहा हूँ, जनरेटिव तो अभी आया ही नहीं. नीरज क्या बात है, वेजिटेटिव सेल वीसी कौन बनाता है भैया? वीसी बनाता है. बिल्कुल सही है बेटा, वीसी बनाता है, याद रह जाएगा. अब मुझे बताओ वेजिटेटिव सेल ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसने पॉलन ट्यूब बना दिया. यस क्लियर है बेटा? ओके अब देखो, अब यहां से हम आगे चलें तो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस अब इसके पास आने चाहिए. तो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस कैसे आएंगे? एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कुछ और बनाना है, मैं उसके लिए इसको इरेज करूंगा. एक बार आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लिया है तो हम आगे चलें. क्या आगे चल सकते हैं बच्चों? ओके ठीक है ठीक है. अब देखो अब इसको कैसे समझ रहे हैं, देखिए बच्चों, ओके स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी. ओवरी में तीन सेल ऊपर है बच्चों, एंटीपोडल, और दो सेल नीचे हैं, एक एग सेल, एक सिनर्जिड और दो सिनर्जिड है, और नीचे बच्चों फिलीफॉर्म एपरेटस है. ओके यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो देखो, ये पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन से क्या बनी? देखो अब देखो सुनो बच्चों, सर पॉलन ग्रेन थोड़ा सा स्पिंडल शेप हो गया है. क्यों हो गया है? क्योंकि उसने क्या बना ली है? पॉलन ट्यूब बना ली है. क्लियर है बेटा? तो इसके पास एक तो ये रहा न्यूक्लियस और एक ये रहा न्यूक्लियस और एक ये रहा न्यूक्लियस. तो देखो बच्चों, सर ये क्या है, ये दोनों क्या है बेटा? जनरेटिव सॉरी जनरेटिव सेल. ये क्या है बेटा? जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस. ओके बच्चों, जनरेटिव न्यूक्लियस. ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस.
ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चों? दिस इज पॉलन ट्यूब। इतना समझ में आ रहा है क्या? विच सेल इज अ बिग सेल इन प्लांट्स? बेटा किसके केस में पूछ रहे हो, वेजिटेटिव या जनरेटिव में पूछ रहे हो? तो वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल काफी बड़ी होती है जनरेटिव के कंपैरिजन में। ओके नीरज, चलिए। और अगर बड़ी सेल की बात करें तो एक मैच्योर ओव्यूल, ओके, ठीक है, अगर पूरे प्लांट की बात करें। अब देखो बच्चों, तो यहां पर एक जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब मिल रहा है आपको, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे बच्चों इसको? जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो यशवंत, चेतराम, अभिषेक, संजना, मोनिका, अजय, रेखा, ज्योति यादव, सलोनी, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे और सभी बेटा बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या करने वाले हैं अपन जीतूकान, देखो यहां से पॉलन ट्यूब निकलने वाली है, जर्म पोर से ये पॉलन ट्यूब आई। अभी मैं आपको टाइप भी बताऊंगा कि पॉलन ट्यूब थ्री टाइप से एंटर करती है, मीजोगैमी, पोरोगैमी और चेलेजोगैमी। कितने टाइप से एंटर करती है बच्चों? थ्री टाइप से। सर कॉपी प्लांट में कितना, कॉपी प्लांट में कितना ओव्यूल होता है? व्हाट इज कॉपी प्लांट बेटा? कॉपी क्वेश्चन नहीं समझ रहा, कॉपी क्या है? देखो बेटा अब यहां से स्टिग्मा और स्टाइल से अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि ये जो पॉलन ट्यूब है वो यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर हो रही है बच्चों, ये आ गया। अच्छा तो मुझे बताओ ये जो हमारा पॉलन ट्यूब है कॉफी प्लांट में कितना ओव्यूल होता है? हाँ बेटा, कॉफी प्लांट में एक मैच्योर ओव्यूल होता है, ठीक है, जिसके अपन बात कर रहे हैं। ओके आगे की बात करते हैं। तो बेटा पॉलन ट्यूब की अगर हम बात करें तो पॉलन ट्यूब कहां से एंड करेगी बच्चों? माइक्रोपाइल एंड से, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड से। किससे एंड करेगी बेटा? माइक्रोपाइल एंड से। अच्छा क्या पूछ रहे बेटा? कॉफी प्लांट बेटा एक ओव्यूल दो के अंदर डिवाइडेड रहता है वहां पर, हाँ लार्ज ओव्यूल प्रेजेंट होता है वहां पे भी, क्या कह सकते हो उसको? लार्ज ओव्यूल, तो टू नंबर कह सकते हो आप उसको, ठीक है, टू इन नंबर। नीरज क्या कह सकते हैं? टू, ओके, हाँ दो, यस, ओके। चलिए अब सुनो बच्चों, अब मेरी बात बताओ मुझे कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर कहां से कर रही है? माइक्रोपाइल एंड से। बोलो कहां से एंटर कर रही है? माइक्रोपाइल एंड से। तो देखो माइक्रोपाइल एंड से जा रही है, तो माइक्रोपाइल एंड से जब जा रही है तो यहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है? टेल मी व्हाट इज फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस? फिलीफॉर्म एपरेटस क्या फंक्शन है बच्चों बताओ? फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है? पहले बता चुका हूं। Who gives first answer? Quick, guide pollen tube. Jitukant Babu. Very good. Jitukant Babu. Filiform apparatus guide करेगा pollen tube को. Guide pollen
ट्यूब। अब देखो बच्चों, मुझे बताओ, अब बताओ मेल न्यूक्लियस कितने हैं, एक या दो? नीरज कितने हैं, एक या दो? सर टू है। चलिए तो देखो, अब आपको यहां पर पॉलन ट्यूब में दिख रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट और दिस इज द सेकेंड मेल गैमेट। क्लियर है बच्चों? तो यहां लिख सकता हूं फर्स्ट मेल गैमेट और दिस इज सेकेंड मेल गैमेट। बताओ बच्चों, पहला फर्स्ट मेल गैमेट और दूसरा सर पॉलन ट्यूब स्टाइल में अंदर जाती है ना? नहीं बेटा, वो माइक्रोपाइल एंड के ऊपर से थोड़ा सा अंदर तक जाती है। हाँ बिल्कुल, और फिर उसके बाद रिलीज कर देती है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो सॉरी मेल गैमेट को। तो मेल गैमेट अब देखो कैसे जाएंगे, तो मुझे कौन बताएगा कि अब आपको दोनों मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं क्या, फर्स्ट और सेकंड? यस या नो, दिखाई दे रहा है बच्चों फर्स्ट मेल गैमेट? ओके यस। अब मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? हु गिव्स फर्स्ट आंसर? फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? बताइए, एग सेल के साथ। ओके, और सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा बताओ? सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? सेंट्रल सेल। अच्छा तो देखिए बच्चों, ये मेल गैमेट आया नीरज, ये मेल गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा पहले, तो इस एग सेल के साथ। तो मैं यहां लिख देता हूं, अब देखो एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहां फर्स्ट मेल गैमेट, तो मुझे बताओ बच्चों फर्स्ट मेल गैमेट एन होगा या टू एन होगा? नीरज कैसा होगा, एन या टू एन? आंसर करो जल्दी, मेल गैमेट कैसा होगा, एन या टू एन? टू एन? हाउ, व्हाट इज दिस, टू एन थोड़ी होता है गैमेट, एन होता है। तो देखो मेल गैमेट एन है, ठीक है। दूसरा, अब यहां पर मुझे बताओ, इस फर्स्ट मेल गैमेट एन के पास सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आया, एग सेल अगर प्रेजेंट है तो। कई बार सिनर्जिड भी एग सेल की तरह काम करती है, ये पहले बता चुका हूं ना, यस या नो? यस, ओके। अब देखो मेल गैमेट एन है और यहां पर एग सेल है, तो एग सेल भी कैसा है बच्चों, एन, यस या नो? हाँ सर एन। तो देखो रिजल्ट क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ मेल गैमेट एग सेल यानी फीमेल गैमेट के साथ जब मिला तो क्या बना बच्चों, टू एन, और ये एक जायगोट सेल है। मेंशन करो बेटा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को, फर्स्ट को, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल एन इज इक्वल टू टू एन जायगोट। क्या बना दिया बेटा, टू एन जायगोट बनाया है। क्लियर है यहां तक का? अब सेकंड वाला देखो बच्चों, सेकंड वाला इसमें देखो, तो इसमें क्या होगा नीरज, सेकंड मेल गैमेट होगा, सेकंड मेल गैमेट प्लस अब क्या होगा बच्चों, एक्सेल के साथ तो फर्टिलाइजेशन हो चुका, अब बचे कौन है, सेंट्रल सेल। कैसे हैं, सेंट्रल सेल या पॉलर न्यूक्लियाई? चलो मैं पॉलर न्यूक्लियाई लिख देता हूं, तो पॉलर न्यूक्लियाई। अब ये कैसे हैं, एन या टू एन? आंसर करो जल्दी, एन या टू एन? पॉलर न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, एन या टू एन?
मोनिका। और सोच लो भाई, मोनिका क्या बात है, एन कैसे होगा? अरे मेरे बच्चों, यहां पर कितनी सेल है भाई? दो। बाउंड्री कितनी है? एक। दोनों का न्यूक्लियस हुआ तो कैसी सेल हुई? 2n। कैसी हुई? 2n। अजय सिंह x क्या होता है बच्चों? ठीक है, वापस से समझो। ये n n n, ये 2n। 2n क्यों है? क्योंकि बाउंड्री एक है और सेल कितनी है? दो। नीचे भी n n n, तो बेटा यहां पर ये कैसा होगा? 2n होगा जरूर। बेटा याद करो, मैंने ओव्यूल का डायग्राम जब पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था। इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो बच्चा, रिवाइज नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल गलत बात है अगर आप रिवाइज। हाँ नीरज सही आंसर दे रहा है, 2n। तो देखो पॉलर न्यूक्लियस कैसा होगा बच्चों? 2n। अब फर्टिलाइजेशन करवाओ भाई, तो फर्टिलाइजेशन जब करवाएंगे तो 2n और n मिलकर के कितना बन जाएगा? 3n। सर कितना बन जाएगा? 3n। तो 3n तो कोई जायगोट होता ही नहीं है, 3n कोई जायगोट होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या होगा बेटा? एंडोस्पर्म। लिखो, 3n ने क्या बनाया है? एंडोस्पर्म। क्या बनाया है बच्चों? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? एम्ब्रियो को। तो आप लिख सकते हो बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एक्सेल के साथ और सेकंड फर्टिलाइजेशन पॉलर न्यूक्लिया के साथ। इसलिए प्लांट को, एंजियोस्पर्म प्लांट को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स। क्या कहते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट। एक बार नोट कर लीजिए बेटा सभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको अपन ने क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशन। लिखो बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक की बातें समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। पक्का? और बच्चों ने नहीं थम्स अप भेजा? 20 बच्चों में से 8-9 लोगों ने थम्स अप भेजा है, और कहाँ है भाई? चलिए, हाँ थोड़ा सा स्लो है हमारे बच्चे। यहाँ तक की बात क्लियर हुई क्या? जीतू, मोनिका क्लियर है बेटा यहाँ तक की बातें? रक्षा, चलिए आगे बेटा अब हम इसमें डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज ये वाला सभी एनसीईआरटी से रिवाइज करें, नोटबुक में नोट करें और पढ़ने की कोशिश करें। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो इसके साथ भी आपको देखते रहना है, ठीक है? आज इतना है।